आज़ादी के परवानों के लिए, आज़ादी के दीवानों की जो हम लोगों ने बेअदबी करी है उसकी भरपाई के लिए कोशिश ही है ये। आज मैं लेकर के आया हूँ ठाकुर रोशन सिंह का नाम, ठाकुर रोशन सिंह या रोशन लाल। ये भी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ही थे और काकोरी कांड में ये भी दोषी थे। लेकिन ये सिर्फ यही, इनकी इतनी सी जानकारी नहीं है। ये अपने ग्रुप में यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सबसे बड़े यानी उम्रदराज सदस्य थे। इनका जन्म 22 जनवरी 1892 को हुआ था। राजपूत परिवार से थे और बड़े बहादुर थे, खूब निशानची थे। एक बार इन्होंने बरेली में अंग्रेज़ पुलिस अधिकारी से बंदूक छीन ली और लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। इस कांड के लिए उन्हें 2 साल की कैद हुई। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अचूक निशानेबाज थे। इनके पिता और माता ने भी इनका सहयोग किया जब उन्हें पता चला था कि ये देश की आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठाकुर रोशन सिंह यानी ठाकुर रोशन लाल जब शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा और ये पत्र उस समय बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, ऐसा बोलते हैं। उस पत्र का मजबून यानी थोड़ा सा मैं जो उन्होंने लिखा, वो पत्र जो मुझे मिला, मैं आपके नज़र कर रहा हूँ। ठाकुर साहब लिखते हैं, इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। भगवान से प्रार्थना है कि वह आपको प्रेम का बदला दे। आप मेरे लिए रंज हरगिज़ ना करें। मेरी मौत खुशी का वाइस यानी कारण होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना ज़रूर है। दुनिया में बदफैली यानी पाप करके अपने को बदनाम ना करें। और मरते वक्त ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ये दोनों बातें हैं। यानी जब वो मृत्यु का, शहादत का, वीर गति का इंतज़ार कर रहे थे, उनका मन काफ़ी ताकतवर था। आगे लिखते हैं, इसलिए मेरी मौत किसी प्रकार अफसोस के लायक नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने कोई बुरा कर्म करा है, ना ही मैंने कोई पाप करा है। दो साल से मैं बाल बच्चों से अलग रहा हूँ। इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला। इसका रिजल्ट क्या हुआ? मेरा मोह छूट गया है और वासना भी बाकी नहीं रही है। मेरा पूरा विश्वास है कि दुनिया की कष्टपूर्ण यात्रा समाप्त करके मैं अब आराम की ज़िंदगी जीने के लिए जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की होती है। ये महान विभूति बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। इनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। अशफाकुल्ला साहब के साथ और राम प्रसाद बिस्मिल अलग अलग जेलों में थे, लेकिन इनको, इन तीनों को एक ही दिन यानी 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। एक और क्रांतिवीर उस समय उनके साथ थे जिनका नाम राजेंद्र नाथ लाहड़ी था। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, बंगाल के मोहनपुर गाँव करके है बंगाल का, उस समय का जिला पावना। बंगाल प्रेसिडेंसी राज्य था उस समय, जो वर्तमान में बांग्लादेश का क्षेत्र है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। और आपको जन्म की बात बताऊं कि जब इनका जन्म हुआ, इनके पिता और राजेंद्र नाथ लहड़ी के बड़े भाई भी दोनों जेल में थे। कारण क्या था? उस समय बंगाल में अनुशीलन दल का प्रभाव बढ़ रहा था, तो उनके ऊपर आरोप था कि ये अनुशीलन दल की गुप्त गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जब ये लहड़ी महाशय यानी राजेंद्र नाथ जी का जन्म हुआ, तो वो उनके पिता और उनके बड़े भाई जेल में थे। ऐसे क्रांतिकारी परिवार से राजेंद्र नाथ लहड़ी जी आते हैं। 9 वर्ष की आयु में ये अपने मामा के पास आगे वाराणसी में, और वाराणसी यानी बनारस वो केंद्र था उस समय आज़ादी के परवानों का,
और इन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के, मैं आपको बताऊं कि इनका भय कितना था कि इनको भी फांसी दी जानी थी 19 दिसंबर 1927 को। जी हाँ, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह जी के साथ, लेकिन इन्हें 2 दिन पहले फांसी दे दी गई, गुपचुप फांसी दे दी गई थी। ये सारे अलग अलग जेलों में थे, एक ही दिन इनको फांसी दे देनी थी ऐसा बोला गया था, लेकिन इन्हें पहले फांसी दे दी गई क्योंकि लोगों का प्रभाव, लोगों के ऊपर इनका प्रभाव बहुत था, गवर्नमेंट डरती थी। और इस तरह 17 दिसंबर 1927 को ये महान विभूति गुपचुप फांसी कई सजा भुगतते हुए इस दुनिया से चले गए। हाँ, इन्होंने फांसी से जाने, जब फांसी लगनी थी उससे पहले कहा था कि मैं मरने नहीं जा रहा हूँ बल्कि आज़ाद भारत में फिर से जन्म लेने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म जुड़े हुए हैं। खैर, ये दो विभूतियाँ, रोशन लाल सिंह ठाकुर जी और दूसरे हमारे राजेंद्र नाथ लहरी या राजेंद्र लाहिड़ी, ऐसी बहुत सारी विभूतियाँ हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी इस देश पे, इस समाज पे। लेकिन हम लोग, हमारे बच्चे इन लोगों के नाम और तस्वीरों से आज भी महरूम हैं, जानते नहीं उनको। ये किसका दोष है, ये क्या कमियां रह गई हैं हमारे सिस्टम में? अब कोशिश तो की जा रही है सरकार द्वारा कि हर जगह, हर गांव में भी बलिदानियों को सम्मान देने के लिए एक अलग से उनको जगह स्थान दिया जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ज़रूरी है। ऐसी महान विभूतियाँ जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करती रहीं और इस देश ने उन्हें भुला दिया, ये दुखदायक है।